Hi everybody, it's Gitanjali. Welcome back to my channel Kala Pratibha Gitanjali. So in today's video I'm going to make a wind chime wall hanging. So let's start today's video. So let's begin the process. सबसे पहले मैंने यहाँ पर 8 mm thickness पर MDF board का ये ring लिया है. Size to your choice, whatever size is comfortable for you, you can take that. उसके बाद यहाँ पर मैंने acrylic white paint की एक layer layering कर रही हूँ मैं, जैसा कि आप देखते हैं. आप जैसो भी अप्लाई कर सकते हैं. बेसिकली जैसो और पेंट हम इसलिए अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें आगे के प्रोसेस, आगे के वर्क के लिए एक स्मूथ सरफेस मिले. सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू अप्लाई जैसो और एक्रेलिक वाइट पेंट. नाउ पेंट ड्राई होने के बाद यहाँ पर हम फटाफट से एक पैटर्न बना लेंगे. मैंने यहाँ पर एक लीफ शेप का पैटर्न पूरे रिंग में बनाया हुआ है. उसके बाद एक्रेलिक मोल्डेड एयर ड्राई क्ले से मैं इस पैटर्न को कवर करूँगी. सो विद द हेल्प ऑफ फेविकोल वी स्टिक अवर क्ले. सेम पैटर्न को हम पूरे रिंग पे रिपीट कर लेंगे. उसके बाद नाइफ की हेल्प से इसमें क्ले ड्राई होने से पहले लाइंस क्रिएट कर लेंगे, एक टेक्सचर क्रिएट कर लेंगे. क्योंकि एक बार क्ले ड्राई हो जाती है उसके बाद इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उस पर कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकें. नाउ लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट स्टेप कलरिंग. सो यहाँ पर एक्रेलिक पेंट्स में इसमें अप्लाई कर रही हूँ. यहाँ पर गोल्डन येलो कलर लिया है जिससे लीफ के पूरे एरिया को कवर कर लेंगे. सारे पैटर्न में सेम कलर रिपीट करना है. सारे एरिया में हमने येलो कलर अप्लाई कर लिया है. नाउ बाहर के पार्ट में हम क्रिम्सन कलर अप्लाई करेंगे. सेम कलरिंग प्रोसेस इज सेम. अच्छे से हमें कलर अप्लाई करना है जिससे कहीं पर भी वाइट पार्ट हाईलाइट ना हो. नाउ रेड पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम ग्रीन पार्ट स्टार्ट करेंगे. जो क्ले वर्क हमने किया था उसके ऊपर हम ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे. Thank you.
ग्रीन कलर अप्लाई करने के बाद हम जो येलो पार्ट हमने जो किया था, अब इसके अंदर एक पैटर्न क्रिएट करेंगे और उसमें हम फिर से क्रिम्सन कलर अप्लाई करेंगे। सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है। आई होप आपको यहाँ तक का प्रोसेस बहुत इजी और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, पूरा पैटर्न क्रिएट करने के बाद अब हम इसमें मिरर वर्क करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मिरर वर्क। ग्लू की हेल्प से यहाँ पर मैं जल्दी से गोल्डन मिरर स्टिक करते जाऊँगी और इस पैटर्न को मिरर वर्क जो हम स्टिक कर रहे हैं इस पैटर्न को हमें पूरे में रिपीट करना है एंड सी कितना सुंदर लग रहा है ये, हाउ ब्यूटिफुल। अब यहाँ पर मैंने येलो 3D आउटलाइनर लिया है, इसकी हेल्प से हम जो हमने अंदर के रेड लीव्स बनाए हैं इनमें एक पैटर्न क्रिएट करेंगे जिससे जो ब्लैंकनेस है वो खत्म होगी। सेम पैटर्न हम पूरे लीव्स में क्रिएट करते जाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम पैटर्न्स बनाते हैं वैसे वैसे हमारे क्राफ्ट का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज होता जाता है। आई होप आप लोग को ये प्रोसेस अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी बिलो। अब इस रिंग के बाहर के पैटर्न को हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैं मिरर स्टिक कर रही हूँ फिर से और इसको और हेवी लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर फिर से हम येलो 3D आउटलाइनर लेंगे, एक रैंडम पैटर्न क्रिएट करेंगे जिससे जो ब्लैंक एरिया है उसको फिल करेंगे, जो कवर हो जाए डिज़ाइन से। रैंडम पैटर्न क्रिएट करते हैं इसके लिए। Thank you.
यहाँ पर हमारा रिंग का डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो हमें पीकॉक डिज़ाइन हैंग करना है मिडल में, उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी आप पैटर्न देख रहे हैं, पीकॉक पैटर्न और रिंग का, ये सब कुछ मेरा खुद का आइडिया है। ये कटआउट्स मैं खुद डिज़ाइन करके और कट कराती हूँ। Now here is you see the final look of this wall hanging. I hope you love this process, you love the whole process and the outcome. So please do like, share, subscribe my channel. आगे इसी तरह से नए नए crafts हम लाते रहेंगे। Till then, bye bye.